अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान हसन फ्रॉम ब्रॉडवे रियल्टर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरी अपार्टमेंट्स में। बैरिया ने यहाँ पे खुद ही कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट दिए हैं, 2 बेड 3 बेड और 4 बेड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टावर 24 पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और छोटा सा पार्क दिया गया है, जिसमें रात को बच्चे और शाम को बच्चे खेल सकते हैं और फैमिलीज आके सुकून से बैठती हैं। अगर मैं थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन दूं आपको अपार्टमेंट साइज़ के लिहाज से, तो 950 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है। ग्राउंड प्लस 6 की ये बिल्डिंग है। इसमें आपको शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, इसकी फुली जो है वो फंक्शनल है। पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है। आप मेरे पिछली साइड पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ी इसमें पार्क है और ज़्यादा रश नहीं है। 20 हॉल है इसमें। इसका भी मैं आपको इनसाइड टूर भी करवाऊंगा। ये 2 बेड लाउंज है, जिसमें आपको बैरिया एक छोटा सा स्टोर प्रोवाइड करता है। 2 कमरों का अपार्टमेंट है। आए चले, मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर। अब जैसे ही आप अंदर आते हैं 2 बेड के अंदर, सबसे पहले आपको राइट साइड पे एक छोटा सा स्टोर मिल जाता है। काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें, आप अपना कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं। और बिल्कुल इसके सामने जो है वो एक ओपन किचन दिया गया आपको, इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। कूलिंग रेंज ये बैरी की तरफ से इंस्टॉल नहीं होता, ये खुद आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और साथ में आपको एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की प्रोवाइड की गई है, मतलब वेंटिलेशन तो कोई स्पेस इशू नहीं होता। यहाँ पर आप अपना डाइनिंग कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल आ सकता है। और जैसे ही आप आगे की तरफ आ जाएगा, ये आपका टीवी लॉन्ज है। ये एक मेन टीवी लॉन्ज है, टीवी लॉन्ज की बालकनी है सामने। और अगर मैं व्यू की बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपाउंड फेस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। जैसे ही हम इसके अंदर की तरफ आएंगे वापस, तो हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। स्टैंडर्ड साइज का रूम है, बहुत ही अच्छी स्पेस है। आप एक अच्छा लिविंग स्टाइल जो है बैरिया ने प्रोवाइड किया। ये इसके साथ इसका अटैच वाशरूम है। इसमें बैरिया की एक सबसे खास बात यह है कि बैरिया ने इसमें पोर्टा और मास्टर की सैनिटरी को यूज़ किया है। बहुत हाई क्वालिटी दरवाजे भी और जो सामान है वो भी हाई क्वालिटी का लगाया है। और ये इसका सेकंड बेडरूम, अच्छा साइज है इसका। ये भी छोटी फैमिली के लिए एक अच्छी लिविंग स्पेस है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सुकून से रहने के लिए। ये इसके साथ इसकी बालकनी आ जाती है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि बैरिया ने बेशक वो टीवी लॉन हो, बेशक रूम हो, इसके साथ आपको बालकनी जरूर प्रोवाइड की है, ताकि आपको रात में इसमें सुकून से बैठ सके। और ये इसके साथ इसका अटैच वाशरूम है, ये सेपरेशन की गई है। यहाँ एक अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू 2 बेड अपार्टमेंट के लिहाज से। अगर प्राइसेस की बात की जाए तो 70 लाख से इसकी प्राइसेस शुरू होती है 2 बेड की, और 95 लाख तक जाती है एज पर लोकेशन। और वो अपार्टमेंट की लोकेशन पे डिपेंड करता है, कॉर्नर है, कंपाउंड फेस है और रोड वन फेसिंग है, रोड फेसिंग है, वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं 3 बेड की बात करूँ, तो 3 बेड की जो प्राइसेस है वो 185 के राउंड अबाउट है प्लस माइनस में। और इसी तरह 4 बेड जो है वो 285 के प्लस माइनस। ये था एक डिटेल ओवरव्यू इस रिसेंट 19 के लिहाज से, जिसमें 2 बेड 3 बेड और 4 बेड है। इसके अलावा आपको विलास में, कमर्शियल में या किसी भी बैरियर डॉट की किसी भी प्रॉपर्टी में आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे दिए गए नंबर में मुझसे रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस ब्रॉडवे रियल्टर्स मेन चेन्नई एवेन्यू पे विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पूरा वीक ओपन होता है, आप हमें किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगली वीडियो तक के लिए दीजिए।